एपिसोड मिली ना वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा नो दैट यू आर द ट्रैवलिंग काइंड इट्स अ नोन फैक्ट एंड नो एक कैमरा तो हमारा हो गया चेक 2K होने के बावजूद भी 4K को टक्कर दे रहा है। ये आ रहा है, देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ ना, आप मुझे ही देख रहे हो, मैं ही खड़ी हूँ गेट के सामने और पूरा घर में ना काम चल रहा है आप लोगों को पता है, और अब वो काम ना धीरे धीरे बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। एक्चुअली काम खत्म नहीं हुआ है, बस मैंने उस काम को पॉज मोड में डाल दिया है। और उसका रीजन ये है कि अब आ रहे हैं फेस्टिवल्स और फेस्टिव वाइब्स भी आने लगी हैं, तो मुझे फेस्टिवल्स मनाने का मतलब अच्छी तरह से मनाने का बड़ा मतलब एक्साइटमेंट रहता है। तो अब वो काम जितना हुआ है उतना ही मैंने रोक दिया, लेकिन एक काम जो है वो आज मैं करा रही हूँ, वो जरूरी काम है और इस काम को मैं लास्ट ईयर भी करवाना चाहती थी, लेकिन अब चलो अब कराऊंगी। और फेस्टिव वाइब्स भी आ रही ना, तो बड़ा मतलब अच्छा सा फील हो रहा है और मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे खड़े होके तो मजा ही आ जाता है, इतने कलरफुल प्लांट्स लगे हुए हैं। और कहते भी है ना कि जो बिल्कुल फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो घर की एंट्रेंस अगर सुंदर होती है ना तो अंदर का पता ही चल जाता है कि हमारा टेस्ट कैसा होगा। तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने अपने इस एंट्रेंस एरिया को डेकोरेट किया है। सबसे पहले तो मैंने इसकी खूब बढ़िया तरीके से डीप क्लीनिंग करी। एक्चुअली इस एरिया की जो डीप क्लीनिंग है वो पता नहीं मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, और कुछ प्लांट्स लगाए हैं मैंने बहुत ही कलरफुल, आ जाओ देखते हैं। और त्योहार की वाइब्स भी तब आती है ना जब घर में थोड़ा सा काम बढ़ने लगता है, तब पता चलता है कि त्योहार आ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से दिवाली का मतलब होता है एक तरीके की सफाई यानी कि क्लीनिंग। तो घर की जो ऊपर की मोटी सफाई है वो तो काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन बाहर की सफाई ना में काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स जिनको कि वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना रहता है। कुछ नई सेटिंग भी हुई है बाहर, जैसे शूरेक वगैरह लग गई है, और ये कुछ नए प्लांट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ। और जो ये मेरे दो स्टैंड है ना, प्लांटर स्टैंड, इनको भी अभी मुझे पेंट करना मतलब करवाना था, बट टाइम नहीं मिला। इनको किसी दिन खुद ही बैठ के पेंट कर दूंगी, और इसी में मैं अपने सारे नए प्लांट्स ही रख दूंगी। इनका नाम क्या है अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। और इस तरह से जो एंट्रेंस वाला एरिया है उसे क्लीनिंग में मैं लगी हुई हूँ। अब एक साथ ना बहुत सारे काम होते हैं घर में, और मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, मतलब कोशिश तो करती ही हूँ कि एक प्रॉपर प्लानिंग से सारे काम करूँ। तो उस प्रॉपर प्लानिंग में हर एक दिन, हर एक टाइम यानी हर एक घंटा किसी ना किसी काम से बंधा हुआ होता है। तो जैसे मुझे किस दिन क्या करना है और किस समय करना है, ये पहले से ही दिमाग में रखती हूँ। और ये शुरुआत में तो इन सारी चीज़ों की को याद रखने की ज़रूरत भी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए ना, इन जिम्मेदारियों के साथ ये सारी चीज़ें ना अपने आप फीड हो गई और दिमाग में रह गई। तो कैसे कौन से दिन क्या काम करना है लगभग स्मूथली हो ही जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप अगर अर्ली स्टेज में ना अपनी इस लाइफ में मतलब इस वाले टाइम में, तो इन चीज़ों की आदत आपको भी पड़नी शुरू हो जाए। और हाँ, जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, जो आप लोग कर रहे होते हो और मुझे बताते हो, उससे मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेती हूँ। तो इस तरह से बाहर के कुछ प्लांट्स जो है मैंने सही कर लिए हैं, और रियली ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैंने ना पूरी सफाई कर दी है और सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरह से सेट कर दी हैं। और देखो ये जो प्लांट्स हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, और विंडो क्योंकि अब बंद हो जाएगी क्योंकि धीरे धीरे विंटर्स आ रही हैं। और एक चीज गड़बड़ हो गई, मैंने ये स्टैंड रख दिया है जबकि यहाँ पर ना आज थोड़ा सा काम होगा और फिर से ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, अब क्या काम होगा बताती हूँ। मैं ना ग्रीन टी पी रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, लास्ट ईयर मम्मी डैडी आए थे, तो वो ना उनके घर में क्या हो रहा है वो यहाँ पर ही देख लिया करते थे मोबाइल पर, क्योंकि उनके घर में कैमराज लगे हुए हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं
अपने घर में ना कैमरास लगवाऊंगी, क्योंकि देखो घर में पेट है, चीकू है, और घर में सामान भी है, मुझे बाहर जाना भी रहता है, तो बिल्कुल मैं टेंशन नहीं रखना चाहती, मुझे लगता है कि मैं फ्री होकर जाऊं। तो डिसाइड किया और मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जो कि अफोर्डेबल हो और इसके साथ साथ ना जो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मतलब जिसको इंस्टॉल करना बहुत आसान हो और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, नाइट विजन है, वो अच्छा हो। तो मैंने थोड़े से ढूंढे और फिर मुझे पसंद आया फिलिप्स के होम सेफ्टी कैमरास। फिलिप्स को चूज करने के तीन बड़े रीजंस थे। एक तो फिलिप्स बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं था, और इट्स अ हाउसहोल्ड ब्रांड जो हमें कितने सालों से यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स देता आया है। और दूसरा, फिलिप्स के कैमरे ना मेरे बजट में भी थे। और मैंने लिया है एक आउटडोर और एक इंडोर कैमरा, और इनका जो प्राइस है वो मिला के एक एवरेज मोबाइल से भी कम है। तो इसके जो ये सारे फीचर्स थे ना, इन्होंने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया और बिना देरी किए मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। ये दोनों कैमराज वाईफाई इनेबल्ड हैं, 360 डिग्री फुटेज हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब कोने कोने को रिकॉर्ड करता है और बहुत ही हाई क्वालिटी में। कोई भी मूवमेंट या साउंड होने से ये तुरंत आपके फोन में नोटिफिकेशन भेज देता है, और तो और इन कैमराज के थ्रू आप बात भी कर सकते हैं। और रही बात सिंपल सेटअप की, तो वो रिक्वायरमेंट भी मेरी पूरी हो गई, क्योंकि फिलिप्स के जो ये दोनों कैमरा हैं इंडोर और आउटडोर, इनको आप आसानी से प्लग इन कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए इसमें डालना है एक एसडी कार्ड, चाहे वो 32 ले लो, 64, 128 स्टोरेज वाला कैमरा डिवाइस में, और देखो उसके बाद सेटअप करने में कोई भी झंझट नहीं है। और अब इन कैमरास को करते हैं इंस्टॉल, और मैंने बुलाया है एक टेक्नीशियन को, और उसका रीजन ये है कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक स्विच है ना, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक स्विच लगवाना है, तो जो मेरी ड्रिल मशीन है वो थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए वो भी इनको इंस्टॉल कर देंगे। वैसे आप इनको खुद भी बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हो, बिल्कुल भी झंझट इसमें नहीं है। तो जब तक वो आते हैं ना, तब तक मुझे किचन में थोड़ा सा काम है, वो कर लेती हूँ फटाफट, और फिर देखते हैं कैसे ये इंस्टॉल होंगे। चने की सब्जी बनाई है, जो काले वाले चने होते हैं उसकी, और उसका रीजन ये था कि एक तो बहुत सारा काम हो रहा था बाहर, तो जल्दी जल्दी एक ऐसी चीज बनानी थी जिससे कि मैं भी, मतलब उसमें बीच में जब भूख लगे तो खा सकूं। तो थोड़े से जो बॉइल्ड चने हैं ना, वो भी मैंने देखो निकाल लिए हैं अलग से, तो सब्जी तो मैंने थोड़ी सी ली थी एक आध रोटी से, अब जब भूख लगेगी ना तो मैं इसकी सैलड बना लूंगी। तो बहुत अच्छी बनती है उबले हुए चने की, मतलब इसमें काफी सारी जो भी आप सब्जियां खाते हो सारी मिला लो, नींबू निचोड़ लो, चाट मसाला डाल लो और खा लो, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और चने में ना मैं पनीर जरूर डालती हूँ, बहुत ही टेस्टी एक सैलड की सब्जी है, सॉरी सैलड बन जाती है। कैमरास को इंस्टॉल, एक्चुअली इंस्टॉल तो आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा डिवाइस है जिसे जस्ट आप प्लग इन करिए और ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको हम ड्रिल करके वॉल पे लगा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं ना जी। तो इसे रख भी सकते हैं, बिल्कुल ये आपका ये है इंडोर कैमरा को आप रख भी सकते हैं, इंडोर कैमरा को रख सकते हैं, और आउटडोर को नहीं, ये हैंगिंग होगा, आउटडोर हैंग ही होगा। एक्चुअली सबसे पहले हमें इसका एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको सेटअप करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से एक छोटे से ऑथेंटिकेशन से हम इसमें रजिस्टर कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिलिप्स के दोनों ही कैमरा को आप 24/7 कंट्रोल कर सकते हैं विद देयर होम सेफ्टी ऐप, जिससे आप कहीं भी रहें वहां से अपने कैमरास को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइव फीड देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग या प्रीवियस इवेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, और इस ऐप की एक्सेस आप अपने घर वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि सब घर की ना निगरानी कर सकें। और ये एक्सेस आप अप टू 20 पीपल के साथ एक्सेस मतलब कर सकते हैं। ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप कोई शॉप वगैरह हो और आप घर बैठे ही ना मॉनिटर करना चाहें कि वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, इसमें टू वे टॉक है, मतलब इसमें बात भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो घर के लिए तो ये कैमराज अच्छे होते होंगे, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें साइरन का भी ऑप्शन है। अच्छा, साइरन भी बज जाता है इसमें जी। Thank you.
तो ये पूरा जो कंट्रोल होता है ये कैसे हो रहा है? ये फोन के थ्रू हो रहा है, इसके एप्लीकेशन के थ्रू होता है। इसमें साइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको टिल्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी लाइव में रिकॉर्डिंग भी सेव करनी है वो भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड पे बटन दबाएंगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, जितने देर रिकॉर्ड करना है कर लीजिए, बंद कर लीजिए। कोई स्क्रीनशॉट भी लेना है वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी हो गई, स्क्रीनशॉट भी हो गया जी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अच्छा, ये मेरी आवाज इसमें आ रही है जी आप। एक कैमरा तो हमारा हो गया, चेक हो गया और हमने उसे देख भी लिया, बहुत अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स हैं। और अब हम जो है अपना दूसरा वाला कैमरा भी टेस्ट कर लेंगे। और ये हमारा इंडोर कैमरा है और इस इंडोर कैमरा को ना कहीं रख भी सकते हैं, दीवार पर भी लगा सकते हैं और इसकी पोजीशन जो है चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए इसकी क्वालिटी कैसी है? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अगर कैमरे से स्क्रीन कंपटीशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। अच्छा, क्वालिटी अच्छी है। हाँ, मुझे भी यही था कि देखने का बनता है। हाँ, देखिए मेरी इसी में कैमरा मुझे ही रिकॉर्ड कर रहा है, मैं दिखाती हूँ। कैमरा देखिए मुझे ही रिकॉर्ड कर रहा है और क्लैरिटी रियली बहुत अच्छी है। मैं तो 4K में रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे लगता है 4K को टक्कर दे रहा है, बहुत बढ़िया। 2K होने के बावजूद भी 4K को टक्कर दे रहा है। हाँ, 2K होने के बावजूद भी 4K को टक्कर दे रहा है। रिकॉर्डिंग के लिए इसमें हम डालेंगे अब कार्ड। तो ये स्टोरेज कितनी है इस कार्ड की? 64 GB का हमने लिया है, 64 GB का। और कैमरा में बस इसे प्लेस करना है। बिल्कुल सही है, टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे वो घूम रहा है ऊपर नीचे चारों तरफ। तो फिलिप्स का ये स्मार्ट आउटडोर कैमराज वेदर प्रूफ हैं, मतलब धूप हो या बरसात किसी भी मौसम में डिवाइस को कुछ नहीं होता है और ये अपने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस कैमरा में मुझे फुल HD रिजोल्यूशन, मोशन ट्रैकिंग, स्मार्ट डिटेक्शन, नाइट विजन, यानी आप रात के अंधेरे में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ, 2-way टॉक तो है ही, जिससे आप बाहर कोई डिलीवरी बॉय आया हो तो मतलब उसे बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपका पार्सल उसको कहाँ रखना है। ये अब आ रहा है, देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ ना, आप मुझे ही देख रहे हो, मैं ही खड़ी हूँ गेट के सामने। और पूरा इसमें देखो कितना अच्छे से सारा व्यू पता चल रहा है, बहुत बढ़िया, सही है। ये नाइट में भी काम करेगा ना? बढ़िया, हाँ, नाइट में बढ़िया। अच्छा, नाइट में कलर वगैरह पूरे देगा अपने? अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक तो हमारा इंस्टॉल हो गया कैमरा आउटडोर का। इस पर पानी वानी का भी कोई असर नहीं होता? नहीं, वैसे तो वहां तक बारिश जाती नहीं है। जैसे मैं एक उधर लगवाऊंगी तो उस पर पानी वानी का कोई असर नहीं होता कैमराज में, जो आउटडोर के होते हैं ना? ठीक है। और अब इंडोर वाला मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं ड्रिल नहीं कराऊंगी, उसे रखूंगी। तो उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं ना, उसकी पोजीशन जो रख दें जहां मन करे वहां का। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है। फिलिप्स स्मार्ट इंडोर सिक्योरिटी कैमरा रेडी टू यूज है, इसको मैं ना यहाँ पर रखूंगी। इसमें है 2K रिजोल्यूशन, 360 डिग्री व्यू, मोशन ट्रैकिंग और जैसे मैंने बताया 2-way टॉक। इसको आप ना कहीं पर भी रख सकते हैं या सीलिंग माउंट करके यूज कर सकते हैं और इसको हम इजीली ना फिलिप्स के होम सेफ्टी ऐप से 24/7 कंट्रोल कर सकते हैं। वो अभी हम मतलब मैंने आपको दिखाया है। ये ऐप ना फुली बायोमेट्रिक है, यानी कि फिंगरप्रिंट से प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिना एक्सेस के इस ऐप को ओपन नहीं कर सकता है। और तो और जो SD कार्ड है ना, जो इस कैमरा में लगाया गया है रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए, उसको भी अगर कोई निकाल ले तो उसकी फुटेज को नहीं देख सकता है। क्योंकि फिलिप्स में एक फीचर है AES-128 इनक्रिप्शन बोल के, जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कैमरा में लगाया गया है। तो इस तरह से ना आप अपने घर को भी सिक्योर कर सकते हैं। जैसे घर में बच्चे हैं, पेट हैं, या कोई जैसे बुजुर्ग लोग हैं, या घर में कोई काम चल रहा हो तो इन कैमरा से ना काफी मदद मिल सकती है। तो जब मेरा छत पे काम चल रहा था ना तो मुझे बार बार जाना पड़ता था, तो मैं सोचती हूँ कि अगर कैमरा लगा होता ना तो मैं उसे वहां से सारी चीजें ना बड़े आराम से मॉनिटर कर सकती थी। सबसे अच्छी बात यह है कि फिलिप्स इन दोनों कैमराज के साथ ना आपको 2 years की वारंटी देता है और 7 days का जो है कस्टमर सपोर्ट है।
और इनके 230 सर्विस सेंटर्स हैं और वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है और आपको ना एट होम सपोर्ट मिलता है, सर्विस जो मिलती है वो घर पर ही मिलती है। तो धीरे धीरे से घर में इस तरीके से फेस्टिवल जो है ना, जो जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो है तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं और तैयारी जो सिक्योर घर को सिक्योर करने की थी वो भी हो गई। अब सारा घर सिक्योर भी है और मेरे कंट्रोल में भी है। देखो ऐप में है ना, मेरे मोबाइल में मैं कहीं पे भी बैठ के इसको देख सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी अगर अपने घर को सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो आप इन कैमरास को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या तो फिलिप्स की वेबसाइट पर या फिर अमेजोन पर। तो दोस्तों इस तरह से घर सिक्योर हो गया, कंट्रोल में भी हो गया और वीडियो अब एंड की तरफ भी आ गया। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।